चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार और आजमगढ़ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार दिनेश यादव निरहुआ यानी कि निरहुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। उन्हें अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से भारी मत से पछाड़ दिया है। इस हार के बाद उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। दरअसल एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि मुंबई में रहने वाले निरहुआ चुनाव हार गए तो वो क्या आजमगढ़ दोबारा जाएंगे या फिर फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे, जिस पर निरहुआ ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं, मेरा विचारधारा स्वतंत्र है और मैं किसी का गुलाम नहीं। इसके बाद निरहुआ ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता गुनगुनाई और कहा कि मैं ईश्वर के लिखे लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं। अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं, तो मैं ईश्वर के लेख को भी मिटा सकता हूं। यानी कि वह पुराना इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से दिनेश यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में बड़े ही जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिनेश यादव निरहुआ शायद आजमगढ़ की सीट जीत जाएंगे, क्योंकि निरहुआ ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज सुपरस्टारों को चुनावी रैली में उतारा था, जैसे कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह को अपनी रैली में शामिल किया था और आम्रपाली दुबे के साथ जोरदार रोड शो भी किया था। साथ ही साथ भोजपुरी के छोटे से बड़े एक्टर ने सभी लोगों ने दिनेश यादव निरहुआ के आजमगढ़ क्षेत्र में चुनावी सभा करते हुए नजर आए और सभी लोगों ने निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए आजमगढ़ की गलियों में नजर आए। लेकिन फाइनली रिजल्ट आने के बाद निरहुआ बुरी तरह से हार चुके हैं, यानी कि अखिलेश यादव ने निरहुआ का पत्ता ही साफ कर दिया है आजमगढ़ से।